बाबूराम भट्टराय 2011 से 2013 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेपाल की वामपंथी राजनीति में काफी बड़ा नाम है। अब यहाँ इनकी बात इसीलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने दो ट्वीट किए जिन पर काफी विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि कल ईद थी, इस मौके पर उन्होंने ट्विटर पर सबको ईद की मुबारकबाद दी, लेकिन उससे ठीक पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सर्कुलेटेड बाय माय क्लासमेट इन इंडिया, मतलब भारत में मेरे सहपाठियों द्वारा प्रसारित। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ट्वीट में एक तस्वीर है, पुरानी है, लेकिन इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो दूध चढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा गया है, विश्वास खतरनाक चीज होती है जो दूध फेंकना और मूत्र पीना सिखाती है। अब ये समझ से परे है कि अचानक बाबूराम भट्टराय को क्या हुआ कि उन्होंने ईद के मौके पर हिंदू रीति रिवाजों का मखौल उड़ाने वाला ट्वीट डालना क्यों जरूरी समझा। और सवाल उठता है कि आखिर हिंदुओं के रीति रिवाजों से इतनी नफरत क्यों, उनके दिमाग में ये विचार क्यों आए कि मुबारकबाद देने से पहले किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाया जाए। जैसे ही बाबूराम भट्टराय ने ये ट्वीट किया, इस ट्वीट का जमकर विरोध होने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन गाथा लिखने वाले शांतनु गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा कि अगर आप सोच रहे हैं कि बाबूराम भट्टराय के भारत में क्लासमेट कौन है, तो आपको बता दें कि बाबूराम 1986 में जेएनयू गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के इस तरीके के बयान से काफी निराश हूँ। गौमूत्र में पाए जाने वाले औषधीय गुण अब दुनिया भर में स्वीकार किए जा चुके हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री अपने ट्वीट से अपनी वैज्ञानिक अज्ञानता का प्रमाण देते हैं। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि नेपाल वो देश है जहाँ 81% लोग हिंदू हैं। हिंदू धर्म यहाँ सबसे बड़ा धर्म है। बाबूराम भट्टराय नेपाल के सबसे बड़े माओवादी लीडर हैं जो भारत में जेएनयू में पढ़ाई भी कर चुके हैं। 2011 और 2013 के बीच दूसरी माओवादी सरकार का नेतृत्व करने वाले बाबूराम भट्टराय नेपाल के गृह युद्ध का प्रमुख चेहरा रहे हैं। इस गृह युद्ध में करीब 17,000 लोग मारे गए थे। लेकिन आपको देखना चाहिए कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के स्ट्रीट पर नेपाल की जनता ने ही उन्हें कैसे सबक सिखाया। कृष्णा अधिकारी लिखते हैं, योगी जी नदी में दूध डालते हैं। बाबूराम भट्टराय ये याद रखें कि नेपाली खून की उस नदी को नहीं भूले हैं जिसमें आपने 17,000 निर्दोष नागरिकों को हलाल कर दिया था। नेपाल को तबाह करने के लिए नेपाली जनता से माफी मांगो। भारत में दूध छलकने की चिंता मत करो, ये लोगों को मारने से कहीं बेहतर है। अजय कुमार यादव लिखते हैं, बाबूराम भट्टराय जी मुस्लिमों के त्योहार पर बकरा काटने से आप खुश हो जाएंगे और हिंदुओं का अपमान करेंगे, वो भी योगी जी का जो सब धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। मैं भी नेपाल से ही हूँ लेकिन किसी भी धर्म का मैं अपमान नहीं करता, माफी मांगो। रविंद्र आर्य लिखते हैं, गंगा हो व मंदिर हो या मानस का पेड़, जहाँ भी हो किसी का खून चढ़ाने से अच्छा दूध चढ़ाना है। ये नेपाल के कथित सेकुलरिज्म वाले लोग हिंदू का मजाक उड़ाने में बहुत खुश होते हैं, क्या है इसका राज। भुवन भट्टराय लिखते हैं, ये पागल मानुष, तुम लोगों को हिंदू धर्म के बारे में कितना पता है, जब कुछ नहीं पता है तो अज्ञानी होकर पागलपन क्यों दिखा रहा है। हिंदुत्व का रक्त मत उबालो नहीं तो मारे जाओगे। तो देखा आपने नेपाल की जनता कितना गुस्से में है और खरी खरी सुना रही है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को कि उन्होंने योगी का नाम किस तरह लिया और किस तरह से वो हिंदुओं की श्रद्धा का अपमान कर सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।